नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अल्फा बीटा ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। हो सकता है आप में से कुछ लोग नए हों और कुछ मुझे पहले से जानते हैं। जो नए लोग हैं मैं उनको बता देता हूं कि मेरा नाम है हेमंत मेहता और आप देख रहे हो हमारे साथ हमारा YouTube चैनल अल्फा बीटा ऑनलाइन क्लासेस, जिसके ऊपर आपको मिलेंगी ढेर सारी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स की वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स, अपडेट्स, स्टूडेंट मीटअप्स एंड बहुत सारी जानकारी एंड साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियोस। हम हर संडे को मोटिवेशनल वीडियोस और क्वेश्चन आंसर का एक पोर्शन पूरा का पूरा यूट्यूब के ऊपर डालते हैं। तो क्योंकि आज संडे है तो आज भी हम सेम टू सेम ऐसे ही एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, लाइफ जो है वो काफी स्ट्रेसफुल लगती है ड्यूरिंग स्टडीज। कोई टेंथ में है, कोई प्लस वन में है, कोई टू में है, या कोई नाइन्थ में है, या कोई कॉलेज लेवल पे है, बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड या एमएससी में है। हमें हर स्टेज पे ये लगता है कि जो स्टडी का स्ट्रेस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो इससे फाइट कैसे करें या कैसे हम फोबिया जो है दूर करें पढ़ाई का, कि हमें पेपर अच्छे हो रहे हैं, लाइक हम मेहनत तो जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, और जो कभी कॉलेज के एग्जाम तो आने वाले हैं मई के अंदर, तो किस तरह से सब पैटर्न बनाया जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। आज की जो वीडियो है सारी की सारी वीडियो इसी पे रिलेटेड होने वाली है। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, CDLU, MDU, इनके अंदर जो एग्जाम्स हैं वो शुरू होने वाले हैं। किसी के अंदर मई फर्स्ट वीक में शुरू हैं, किसी के अभी जस्ट कुछ दिनों में शुरू हैं, मई के जस्ट 5 या 4 तारीख से शुरू हैं। अलग अलग डेट्स हैं सभी की। और मोस्टली जो बच्चे होते हैं कॉलेज टाइम के अंदर, वो क्या होता है कि उस टाइम के अंदर उनके पास में तैयारी करने का ज्यादा या तो टाइम नहीं रहा होता, या उन्होंने शुरू से कुछ कवर अप नहीं किया होता उस टाइम तक, तो उन्हें एकदम से रश करना पड़ता है सिलेबस को। लाइक 20 दिन रह गए जी मेरा सारा सिलेबस पढ़ा है, 25 दिन रह गए जी मेरा सारा सिलेबस पढ़ा है, मेरा मैथ का सिलेबस पढ़ा है, मेरा फिजिक्स का पढ़ा है, मेरा केमिस्ट्री का पढ़ा है। तो उस केस के अंदर हमें वो सारा का सारा सिलेबस कैसे कवर करना है, क्वेश्चन नंबर एक ये बनता है। दूसरा, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा नहीं है, वो सर बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से नहीं पढ़ते हैं लेकिन अब एकदम से रश करना चाहते हैं और उन्हें एकदम से लिंक नहीं बनता, तो वो लिंक कैसे क्रिएट करें, क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर तीन, कि हम जब पढ़ने लगते हैं तो हमारी जो सीटिंग है वो मैक्सिममली 1 घंटे की है, 2 घंटे की है, उसके बाद में हम बोर हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता तो हम छोड़ के चले जाते हैं, तो उससे भी कैसे करें। तो सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि जो हमने कोर्स चूज किया है क्या एक्चुअल में हमने अपनी मर्जी से किया है। अगर हमने अपनी मर्जी से किया है तो हम उसे लूज कर ही नहीं सकते। तो जो आप लूज कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो, लूज करना छोड़ दो। कोई भी चीज आसानी से नहीं होती है, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। फिर भी किसी मजबूरी के कारण मान लिया कि वो आपका लूज रह गया था पैटर्न और आप उसको एकदम से कवर करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करें। मान लेते हैं कि आपको 3 महीने का सिलेबस था, 15 दिन में कवर करना था। 3 महीने का जो पोर्शन था वो ये था कि डेली के 1-1 घंटे पढ़ना है, जिसके हिसाब से आपको 90 घंटे पढ़ना चाहिए था, लेकिन अभी तो 15 दिन है, तो आपको क्या करना चाहिए, अल्टरनेटिवली हर दिन 6 घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि 15 × 6 वापिस से वही 90, क्योंकि अपने को 90 लेक्चर्स का मतलब है। दूसरा, जो आपका माइंड है वो ज्यादा कवर अप करेगा इन 15 दिनों के अंदर बजाय उन 3 महीनों के, क्योंकि इस टाइम पे हमें हमारा माइंड इस तरह से ट्रेंड हो जाता है कि हम इसको जितना सिखाना चाहिए उतना सीख सकता है, क्योंकि इसको बड़ा डर लगता है। हम इसको ये बताते रहते हैं कि पेपर है पेपर है पेपर है, तो उस हिसाब से बहुत स्ट्रांग पकड़ बनाता है और हम कुछ चीजें याद भी कर लेते हैं, अगर उनका लिंक भी नहीं बनता तो अभी हम याद कर पाते हैं। तो इस टाइम पे जो सबसे बढ़िया मेथड है जिसके हिसाब से हम पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं या पेपर के लिए तैयारी बढ़िया कर सकते हैं, वो यही है कि अपनी सीटिंग बनाओ। अब कई बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि सीटिंग बनती नहीं, हम जी आधा घंटा बैठते हैं फिर हमें लगता है कि नहीं थोड़ा देर रुक के करेंगे, थोड़ी देर रुक के करेंगे, अभी रेस्ट कर लेते हैं, 20 मिनट रुक के करेंगे, 25 मिनट रुक के करेंगे। तो उससे कैसे हम फाइट करें, उससे जब फाइट करने का जो सिस्टम है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लेते हैं मैं आज बैठा पढ़ने, मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा है, मैं आधे घंटे के लिए स्टडी कर रहा हूं,
तो मैं उस आधे घंटे की प्लानिंग करने में टाइम वेस्ट करूंगा, ऐसा मोस्टली बच्चे करते हैं। और जब हम पढ़ाई ना करके उसकी प्लानिंग करते हैं ना, तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो हमें क्या चाहिए कि जो प्लानिंग है वो सिर्फ इतनी है कि जो हमने पढ़ना है, कब से पढ़ना है, ये नहीं है। आपको जब भी टाइम लगे आप धीरे धीरे 15-20-25 थोड़ा थोड़ा टाइम बनाओ बनाओ बनाओ, और अगर आप पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आपके ऑटोमेटिकली लिंक क्रिएट होंगे। पहले आप मन में से ये फोबिया निकाल दो कि आपको समझ नहीं आएगा, आपको हर हालत के अंदर समझ आएगा, बस आप उसको पढ़ना शुरू करो। और जैसे भी पढ़ते जाओगे, आपको कोई चीज नहीं भी समझ आती तो आप उसके लिए, आपको पता, नेट का यूज कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो वो हेल्प जो आपको बहुत काम आएगी, और वो हेल्प जो है ना आपको जैसे जैसे आगे बढ़ाएगी ना, तो आपका ऑटोमेटिकली समझने का जो नजरिया है, चीजों को कंसेप्ट पढ़ने का जो नजरिया, वो बढ़ता जाएगा, बढ़ती जाएगी, और टाइम के हिसाब से हम उसको कवर करने लगेंगे। 15 दिनों में सिलेबस करना कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हैं। कई बार हम ऐसे बच्चे भी देखते हैं जो ये पेपर से 2 रात पहले पढ़ते हैं यार, वो पास हो जाते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो कैसे करते हैं, वो इसी तरह से करते हैं। वो जब एक बार बैठ गए तो उनको ये होता है कि हम पहले इसका बेसिक कंसेप्ट पढ़ लें, उसके बेस के ऊपर इसके सारा सिस्टम पढ़ें। और जब इंसान ऐसे करने लग जाएगा ना, तो उसको ऑटोमेटिकली सब समझ आएगा ही आएगा। इसी की हमें कई बार ना मेहनत करने से डर लगता है, कई बच्चों को लगता भी है, कईयों को पढ़ाई औखी भी लगती है। तो उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमें मेहनत से क्यों नहीं डरना चाहिए। और मैं बताऊंगा, ये एक्चुअल में स्टोरी नहीं, एक किस्सा कह सकते हैं, जिससे एक्चुअल में सच्चे होते हैं तो इसको किस्सा बोल सकते हैं। एक टाइम की बात है, गुरु रामानुजन सर जानते हैं आप, मैथमेटिक्स के बहुत बड़े जो हैं विद्वान माने जा सकते हैं, माने क्या जा सकते हैं। वो एक स्कूल के बाहर खड़े थे, एक विद्यालय था जिसके बाहर वो खड़े थे, और वो बाहर से देख रहे थे कि अंदर कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ पढ़ाया जा रहा है, कुछ पढ़ाया जा रहा है। गर्मियों का टाइम था और धूप इतनी कड़क थी ना कि मतलब अगर हम ये कहें कि चल अंदर चल, चल अंदर चल, ऐसे ऐसे वाला सिस्टम था कि खड़ा होना बहुत मुश्किल था। 1-1.5 बजे का टाइम लगा सकते हैं हम गैस के फेज पे। तो एक पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था, वो कहता कि भाई तू अंदर क्यों नहीं चला जाता। तो कहता जी प्रिंसिपल ने मेरे को बाहर निकाला आज। तो फिर बाहर निकाला, फिर घर चला जा, गर्मी में क्यों खड़ा है। कहते जी उन्होंने सिर्फ क्लास से बाहर निकाला है, सीखने के क्षेत्र से बाहर नहीं निकाला, मैं इस क्षेत्र में खड़ा होके भी वो सीख सकता हूं। यानी कि उनके मन में फिक्स है ये बात कि मैंने ये चीज सीखनी ही सीखनी है। तो उसके लिए ना तो उन्हें धूप से फर्क पड़ रहा है, ना लोग क्या सोच रहे हैं इस बात से फर्क पड़ रहा है, उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ रहा है कि मेरे को अभी भी बोर्ड दिख रहा है, अभी भी मेरे को सुन रहा है अंदर से क्या लेक्चर आ रहा है, मेरे को सुन रहा है, मेरे को गेन करना है। तो वैसे ही जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि आपको सुन रहा है, आपको दिख रहा है, आप कर सकते हो। गर्मी है, सर्दी है, नींद आई है, नहीं आई, उस बात का बहाना नहीं होना चाहिए। जब आप ऐसा करने लग जाओगे, आपकी बॉडी पे पूरा कंट्रोल हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप इतने सुपीरियर हो जाओगे पढ़ने में, मेहनत करने में, कि आपको खुद को पता नहीं लगेगा, लोग क्या करेंगे यार, इसकी सीटिंग बड़ी जबरदस्त है, 8-8 घंटे पढ़ लेता है या पढ़ लेता है। तो हमें रामानुजन सर के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेहनत करनी है, उसका जरिया हमें खुद कहीं से भी ढूंढना पड़े, ढूंढ लेना है, हमें भरोसे नहीं रहना है किसी के। अगर हम चाहें जैसे रामानुजन सर चाहते तो भी मैं तो क्लास में ही सीखूंगा, मैं तो बाहर खड़ा होकर नहीं सीख सकता, ऐसे कौन सीखता है, तो वो चले जाते घर। लेकिन नहीं, जरिया डिपेंड नहीं करता क्या है, डिपेंड करता है क्या वो अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है तो हमें हर हालत में उससे सीख लेनी चाहिए। तो आप अपनी पढ़ाई की स्ट्रेस को स्ट्रेस ना समझो, आप ये समझो कि अभी भी टाइम है, अभी भी 15 दिन है, और एक दिन के अंदर अगर हम 8 घंटे सोने के निकाल भी दें, और 2 घंटे हम अपना लंच वगैरह या जो भी है रेस्ट वेस्ट सब निकालते हैं, मतलब 10 घंटे भी निकालते, पीछे 14 घंटे बचते हैं, उसमें से अगर हम डेली 11 घंटे भी स्टडी करते हैं, तो 15 दिनों के अंदर तुम खुद सोचो कितनी स्टडी कर सकते हैं, कितने घंटे हो जाएंगे, कितने लेक्चर्स हो जाएंगे, हर रोज 11 घंटे का लेक्चर। बहुत कुछ किया जा सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल में भी कहीं ना कहीं पॉसिबल छुपा हुआ है।
तो ये आज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मन नहीं लगता, तो ये उन चीजों को हमने सारा का सारा ओवरव्यू पढ़ लिया, कर लिया, समझ लिया। अभी कुछ एक अपडेट है जो मैं आपको बता देता हूँ। बीएससी की जो सीरीज है वो कल से शुरू हो जाएगी, बीएससी और प्लस टू दोनों की। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की सीरीज शुरू होगी, जिसमें हम पहला जो पोर्शन है वो पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके अंदर पहले पढ़ेंगे सेट थ्योरी, ओपन सेट, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, एडहरेंट पॉइंट, ये सारी चीजें जो है हम कल के एक लेक्चर में पढ़ेंगे। और प्लस टू की सीरीज चल रही है प्रोबेबिलिटी की। उसके अलावा एक ये अपडेट भी है कि बीएससी एग्रीकल्चर के जो फॉर्म हैं वो निकल चुके हैं। हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर दो तरह के कोर्स हैं, एक तो 10th के बेस पे होता है जो 6 साल का है कोर्स, एक होता है प्लस टू के बेस पे, जिसके लिए दोनों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। वो एंट्रेंस एग्जाम आप देके उसमें एडमिशन ले सकते हो, चाहे तो आप 6 साल वाले कोर्स में लो, और अगर आप चाहते हो कि हम कौन से कोर्स में लें, हम लें भाई 4 साल वाले कोर्स में, तो वो भी आप ले सकते हो। और उसकी जो डिटेल्स हैं वो मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपको। और जो नए आए हैं चैनल के ऊपर, जो पहली बार मेरे को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है, हम शुरू के अंदर किसी भी चीज के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाते, तो हो सकता है आप लोग भी मेरे को ना समझ पा रहे हो, या हो सकता है मेरा समझाने का तरीका ठीक ना हो, मतलब मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन आप कंटिन्यूसली एक बार जुड़े रहें, रिक्वेस्ट है, हम धीरे धीरे सब चीजें इंप्रूवमेंट करेंगे। अभी ये बिल्कुल ऑनलाइन सेशन करना मेरा बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं ऑनलाइन एडिटिंग वगैरह इतना इसमें ज्यादा रुझान नहीं रखता, लेकिन जल्दी ही आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। और मैं इसमें एक्टिंग ना करने की कोशिश करूंगा, मैं जो है अभी वही बोलूंगा, मेरे से ऐसे नहीं है कि ये बोल दो जी इस तरह से करो, उस तरह से करो, आप ऐसे मत खड़े हो, ऐसे खड़ा होना चाहिए, मेरे को जैसे कंफर्टेबल होगा ना मैं आपको वैसे दिखाऊंगा, मतलब जो होगा वही दिखेगा, उसमें कहीं कुछ ओवर करने की कोशिश नहीं करूंगा। हाँ, जो चीजें गलत होंगी उनको एडवाइस में लेके उनको ठीक जरूर करूंगा, जो भी आपको एडवाइस देनी है वो आप मेरे को बेझिझक दे सकते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, मैथ्स की प्रोबेबिलिटी का सेशन चल रहा है, तो आप जो प्रॉब्लम है चाहे वो बेस थ्योरम से है, किसी भी तरह से है, वो आप प्रॉब्लम दे देना, मैं हर सैटरडे को ऑनलाइन होके लाइव क्लास में वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर करूंगा। इसी तरह से जो बीएससी की सीरीज होगी सेट वाली, सेट थ्योरी वाली, उसमें भी आप जो प्रॉब्लम दोगे वो आपको सैटरडे को लाइव क्लास में दूर होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि सोल्व नहीं होगी। अगर बाई चांस मैं लाइव होकर प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाता, तो आपकी वो प्रॉब्लम किसी भी तरीके से सोल्व करके कॉमेंट बॉक्स में या तो पिक्चर के थ्रू या कैसे भी आप तक पहुंचाई जाएगी हर हालत के अंदर। बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, हम लोग आपके साथ हमेशा ऐसे बने रहेंगे। चलो इसी के साथ अलविदा लेते हैं, जय हिंद दोस्तों, खुश रहो, आबाद रहो। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेले और खुशियों में साथ जमाना है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।